टाइप करके लिखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। देखिए CI SI के डिफरेंस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था वो तो आप लोगों ने किया रेट को चेंज करके, लेकिन अब एक फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिएगा, अगर प्रिंसिपल इफ प्रिंसिपल दिया हुआ हो P, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ हो R परसेंट पर ईयर और टाइम दिया हुआ हो 2 साल का। ढंग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें चाहिए CI माइनस SI, इसको अगर मान लेते हैं D, तो D इक्वल टू क्या लिखिएगा, CI कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में 2 हो जाएगा माइनस 1 दो साल का, और ऐसा ही निकालिएगा तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 ऐसा निकालते हैं, बेसिक फॉर्मूला है। तो देखिए D इक्वल्स टू पी रहने दीजिए A प्लस B का होल स्क्वायर, आप जानते होंगे क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू R तो 2R बाई 100 प्लस B स्क्वायर तो R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ क्या बच जाएगा 2PR अपॉन 100। एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, P से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2PR बाई 100 प्लस P इंटू R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर माइनस 2PR अपॉन 100 निकल के आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो D है वो क्या बच जाता है, तो D इक्वल टू बचता है PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, ये कब यूज करेंगे, जब रेट गिवन नहीं होगा, व्हेन रेट इज नॉट गिवन तब जनरली यूज करेंगे, वैसे गिवन होगा तब भी यूज कर सकते हैं, मेरा ये नहीं कहना है कि नहीं करना है, थोड़ी इस लाइन को लिखेंगे नहीं, रेट दिया हुआ हो तब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं दिया हो तो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि रेट गिवन होता है तो मैंने टेक्निक समझाया है ना आपको, 2:1 वाला, 3:3:1 वाला, फिर 4:6:4:1 वाला, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको समझाया है फॉर्मूला ऐसा वाला जो रेट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके हम लोग प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, तो वहां से भी आपको पता है कैसे डिफरेंस निकाला जाता है, लेकिन डायरेक्ट अगर 2 साल का पूछेगा तो आप इससे भी जा सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत बताइए एक बार, यस और नो, समझ आ गया 2 साल का फॉर्मूला। हाँ, और सुनिए, सिमिलरली इसी प्रकार से यदि प्रिंसिपल जो है, इफ प्रिंसिपल दिया हुआ हो पी, रेट दिया हुआ हो आर परसेंट पर ईयर और टाइम दिया हो 3 इयर्स 3 साल और CI माइनस SI जो है ये हुआ डी, तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं डी इक्वल टू 3 साल के लिए PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 का पावर 3। इसको जरूर याद रखिएगा, कैसे आएगा, उसी प्रकार से आएगा, पावर आपको 3 करना है फॉर्मूले में, जो यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना ये वाला, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ भी टाइम क्या हो जाएगा 3 साल, यहाँ 3 रखेंगे यहाँ 3 रखेंगे तब सॉल्व करेंगे तो वो फॉर्मूला बन के आ जाएगा, तो ये काम खुद करना है आपको, ये 3 साल का याद रखिएगा। ये भी कब यूज करिएगा, जनरली जब रेट नहीं पता होगा तब यूज करना है, वैसे रेट पता होगा तो आपको मेथड पता है, आप उस मेथड को यूज करेंगे, 3:3:1 को लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात पूछा जाता है, CI माइनस SI डिफरेंस है कितने साल का, 2 ईयर का, और एक CI माइनस SI 3 साल का, तो अभी हम रेशियो निकालने वाले हैं, CI माइनस SI 2 साल का बाय CI माइनस SI 3 साल का, ये रेशियो क्या होता है ये याद रखना पड़ेगा। तो 2 साल का डिफरेंस जानते हैं, अभी हम लोगों ने निकाला है,
पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, और 3 साल का भी हम लोगों ने निकाला है, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100 का पावर 3। तो देखिए पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ एक 100 बच जाएगा, तो ये सॉल्व होकर क्या बचेगा, 100 अपॉन 300 प्लस आर बच जाएगा। तो अब आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला बन गया सी आई माइनस एस आई कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बाय सी आई माइनस एस आई कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 100 अपॉन 300 प्लस आर, ये फॉर्मूला बन गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अब चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन से देखते हैं। देखिएगा इसी क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन से जो ऊपर में दिख रहा है, क्या लिखा है जरा पढ़ के देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर का अनुपात 8:27 है। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 8:27। समझिए 2 साल का सी आई माइनस एस आई, 2 साल का, और 3 साल का सी आई माइनस एस आई, फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, तभी हम लोगों ने बात किया 100 अपॉन 300 प्लस आर, इसकी वैल्यू जो है गिवन है 8/27 गिवन है। देखिए तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2700 इक्वल टू 2400 प्लस 8R हो जाएगा, इसको इधर बुला लीजिए तो 300 बराबर 8R, तो R बराबर कितना आ गया, 300/8, आंसर आ गया कितना, 37.5%, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से, वाह वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये भी आप कर सकते हैं खुद से, क्या 2 साल का 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ ICICI का, खुद से करना है, कितना हो जाएगा उसी प्रकार से अब डायरेक्टली लिखेंगे 13/42 बराबर 100/300 प्लस आर, बस हो गया, यही डिफरेंस का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा 3900 प्लस 13R बराबर 4200, ये इधर आ गया, R बराबर 300/13 हो गया आंसर। 1/13 पता है 7 whole 9/13 होता है, उसका 3 गुना है तो कितना हो जाएगा 21 whole 1/13, सॉरी ये नहीं होगा, देखिए ऐसा होगा 7 whole 9/13 है ना, इसका 3 गुना तो 21 प्लस 27/13, तो 21 प्लस 13 दुना 26 ये हो जाएगा 21 और 2 23 पूर्णांक 1/13%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बस हो गया, इतना सिंपल बात है, आसानी से किया जा सकता है, क्या कर लेंगे सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, चलिए बहुत बढ़िया कर लीजिएगा। अब देखिए उसी पैटर्न पर एक बार तो आपको रेशियो दिया गया, समझिएगा एक बार तो रेशियो दे दिया गया, अब रेशियो ना दे करके डायरेक्ट डेटा दिया गया है तब भी तो वही बात है ना, रेशियो ना दे करके अगर डेटा भी दिया तब भी तो वही बात है। देखिए कैसे पढ़िए कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स एट ए सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज 400 and 135 rupees, डिफरेंस का अमाउंट दे दिया, तो कोई बात नहीं फिर वही करना है, क्या करना होगा 400/1350, यही डिफरेंस है, इक्वल टू क्या लिखना होगा 100 अपॉन 300 प्लस आर,
सिंपल सा बात है, स्क्रीनशॉट लेना था ले लीजिए, आरुष ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए। समझ में आ जाए तो तुरंत ले ही लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया ना, ये भी लेना है ये भी ले लीजिए। और ये लेना है ये भी ले लीजिए। चलिए तो हम क्या रहते हैं, ये 400 दिया हुआ है सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस 2 साल के लिए, 1350 दिया है 3 साल के लिए, 0 0 कैंसल, काट लीजिए 5 से 28 8 बार में, 5 से 27 बार में, फिर से निकल के आ जाएगा 2400 प्लस 8R इक्वल टू 2700, तो 8R इक्वल टू 300, तो R निकल गया 300/8 यानी 37.5%, हो गया R निकल गया। जब R निकल गया तो आपको क्या पूछा गया है कि देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर एट द सेम प्रिंसिपल एंड सेम एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो रेट तो समझ में आ गया ना कि 3/8 है। अब देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं कि 2 साल के लिए यूज कर लीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64, ऐसा 64 का फिर से कर लीजिए 1 3/8, तो कितना आ जाएगा 24। तो आपको 2 साल के लिए 2:1 समझाए हैं ना हम, पहले हाँ या ना बोलिए, 2:1 तो हम समझाए हैं, कोई दिक्कत, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। हाँ ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं 300 ही होगा हमेशा, कभी 300 ज्यादा कैसे आ सकता है, फॉर्मूला है ना आरुष, नहीं समझे, हम समझाते हैं एक बार फिर से, ठीक है। आप ऐसा जा सकते हैं, या क्या तरीका है, या तरीका ये है कि 8 का स्क्वायर 64 ऐसा लिख लीजिए आप, और यहाँ से निकाल लीजिए 3/8 तो 24, फिर निकालिए 3/8 24, और 24 का 3/8 निकालिएगा तो 9, ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए कि नहीं सर दिक्कत है। देखिए प्रिंसिपल 64 है ना, 64 का फर्स्ट ईयर का ब्याज निकाल लिए, तो 3/8 करेंगे ना 24 आ गया, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज 24 है, सेकेंड ईयर में भी 24 तो बनेगा ही, 64 का 3/8, हाँ, और उसके बाद जो 24 है पहले साल का एंट्री उसका भी 3/8 बनेगा, तो कितना बनेगा बताइए, 9 बनेगा, हाँ ऐसा ही पूछ रहा है, चलेंगे उस पर। यहाँ तक पहले कोई दिक्कत है, पहले ये बताइए सब सही चल रहा है ना। अब देखिए तो हमें क्या पता है, हमें पता है 2 साल का पूरा सीआई और 2 साल का एसआई का डिफरेंस, तो बताइए 2 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस कितना हम लिख दें, बताइए तो आप लोग सीआई एसआई का डिफरेंस कितना लिख दिया जाए, 9, तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, वेरी गुड, क्योंकि टोटल सीआई तो ये मिल के हो गया 24 दुना 48, 48 और 9 कितना हो गया 57, अब माइनस करेंगे 48 ऐसा ही तो बचेगा ना आपका 9 रुपया, यही डिफरेंस हो गया, तो 9 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 400, देखिए तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400/9, और आपको पूछा 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का जो 24 है सिंपल इंटरेस्ट, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 24 24, आगे भी 24 फिर 24, सिंपल में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताइए, आप ही लोग बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट लिखें, बोलिए, हाँ 96, क्यों एक बार 24 बन गया पहले साल तो हमेशा 24 ही ना बनेगा, तो 96 यूनिट, तो 1 यूनिट पता है हमको 400/9, तो 96 निकालना है, तो इंटू 96, 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 32 बार में, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 दूना 8, 4 किया 12, 12800/3, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 2 8 3 6 18, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा 2। डायरेक्ट 4 साल का ऐसा ही नहीं ना निकाल सकते, क्योंकि डिफरेंस ना हमको पता है डेटा में, इसलिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत है,
बताओ। नहीं, चलो क्लियर है। एक क्वेश्चन बना दो जल्दी से, ये वाला बना दो जल्दी से। क्या होगा आंसर? बताइए। नहीं, रेट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 5 साल का, वो बताओ प्रिया। फाइनल आंसर? किस लिए? बताइए जल्दी से। निधि बताओ, शुभम, आरुष। अच्छा ठीक, देखिए 2 साल का डिफरेंस कितना है, 480 बाई 1620, कट गया। वाह, वेरी गुड। तीन से काटिए 16 54, 2 से काटिए 8 27। ये बराबर क्या फॉर्मूला है? 100/300+R। यहाँ से आप लोग निकाल लिए कितना, 2400+3R=2700। तो 3R = कितना, 300। तो R = 8R है, तो R = 300/8, 37%, यानी कितना, 3/8। फिर से वही काम करना है, 8 का स्क्वायर 64, प्रिंसिपल आ गया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो 8 से 8 बार में, 3 से 24, तो आगे क्या होगा, फिर 24 तो होगा ही, और 24 का 3/8 तो 9। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा नहीं दिक्कत, चलो ठीक। तो 2 साल का डिफरेंस पता है, 9 यूनिट कितने के बराबर, 480। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 480/9। अच्छा हमको 5 साल का चाहिए, तो 24 24 24 5 बार ना बनेगा, तो कितना बनेगा, 120। 120 बराबर क्या होगा, 480/9 × 120। 3 से 3 बार में ये कट गया, 3 से 40 बार में ये कट गया, 3 से काट लीजिए 16 बार में ये कट गया, ऐसा ना आ गया। क्या कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत लग रहा है तो मुझे बताइए अभी जल्दी से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6400 ना।
क्या? हाँ ये आंसर हो गया, आया था ऑप्शन नंबर 4 है तो नन बता दिया करिए, सही होगा आपका भी। चले आगे। हाँ 4 साल निकल गए, कोई बात नहीं, चलिए कर लेंगे अब। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ ईयरली और क्वार्टरली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हाफ ईयरली और क्वार्टरली कैलकुलेशन कैसे होता है? देखिए हाफ ईयरली वाला क्या मतलब है, क्वार्टरली वाले क्या मतलब, पहले प्रैक्टिकली समझिए तभी ना दिमाग में सेट रहेगा हमेशा के लिए। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर ईयर, यही मान लीजिए दिया हुआ है, इसका मतलब क्या जानते हैं हम लोग कि 100 रुपये के लिए एक साल में यानी कि 12 मंथ में कितना रुपया, 12 रुपया। और यही ना मतलब होता है कि 100 रुपया के लिए एक साल में 12 रुपया। अब सुनिए अगर हमको हाफ ईयरली सोचना है, हाफ ईयरली सोचना है तो हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है, और एक सोचना है क्वार्टरली, तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है सर, हाफ ईयरली का मतलब ये होता है प्रत्येक 6 महीने में, यही मतलब होता है। अब बताइए 12 महीने में अगर 12 रुपया ब्याज आपको देना पड़ता है, आपको इसी 100 के लिए अगर 6 महीने का ही ब्याज देना पड़े तो आप कितना देना चाहेंगे बताइए? तो 6 रुपया। अगर आपको इसी 100 रुपये का 3 महीने में ब्याज देना पड़े तो कितना देना चाहेंगे? 3 रुपया। तो ऐसा क्यों दे रहे हैं? तो पता है कि 12 महीने का ना 12 रुपया है, अगर 6 महीना में दिए इसका मतलब 12 महीना को 2 पार्ट में बांट दिए, 6 6 महीने का, तो 12 रुपये को भी तो 2 पार्ट में बांट के देना पड़ेगा 6 6 रुपया। अगर 12 महीने का 12 रुपया है और 3 महीने का हमको देना है तो 12 महीने का 1/4 ना 3 महीने होता है, तो 12 रुपये का भी 1/4 3 रुपया आएगा। सिंपल सा बात है, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए रेट दिया हुआ है 8% पर ईयर, तो आपको ये समझना है कि एक साल में 8 रुपया है लेकिन हमको हाफ ईयरली देना है, तो एक साल में अगर हाफ ईयरली का मतलब समझें, हाफ ईयरली का मतलब तो एक साल में अगर टाइम 1 साल दिया हुआ है तो एक साल में कितना हाफ ईयर बनेगा, एक साल यानी 12 महीने को कितना बार आप हाफ ईयर में लिख सकते हैं? तो 2 बार, 6 मंथ प्लस 6 मंथ, 6 6 महीने का 2 आपका हाफ ईयर बनेगा, तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट होगा यानी 8 रुपया उसको भी 2 पार्ट में बांट के देना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि 8/2% हो जाएगा, कितने दिनों के लिए ये भी ध्यान रखना है, पर हाफ ईयर ऐसा हो जाएगा, पर हाफ ईयर के लिए। क्या कोई दिक्कत? अच्छा 8% पर ईयर है, हमको देना है क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या है, पर 3 मंथ में। तो अगर क्वार्टरली की बात किए हैं, क्वार्टरली की बात किए हैं, तो आप ही बताइए पूरे 1 साल को कितने क्वार्टर में बांट सकते हैं, कितना क्वार्टर बना सकते हैं इसको? तो आप बोलेंगे सर क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, 1/4, तो 3 3 मंथ का 4 क्वार्टर ना हम बना सकते हैं, इसका मतलब 1 साल का जो भी रेट है उसको 4 जगह बांट के दिया जा सकता है। तो 1 साल का रेट अगर 12% पर ईयर है तो 4 जगह बांटेंगे तभी तो 3 रुपया निकल के आएगा, मतलब जो भी 8% गिवन होगा 8 रुपया उसको 4 पार्ट में बांटना होगा, तो 8/4% पर क्वार्टर हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब आपको बताते हैं कि हाफ ईयरली क्वार्टरली से हट करके कभी पूछ दिया कि नहीं पर फोर मंथ में कैलकुलेट कीजिए, ऐसा बोला गया प्रत्येक 4 महीने में कैलकुलेट करिए, तो हम क्या करेंगे 12 महीने को 4 मंथ के टुकड़े में बांट देंगे तो 3 बार बटेगा। अरे 12 महीने अगर हमको 4 मंथ पे निकालना है तो 12 महीने को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, कितना पीरियड बनेगा? तो 4 4 मंथ का अगर देखा जाए तो 3 बार, तो 4 4 मंथ का 3 पीरियड बन रहा है, इसका मतलब जो भी रेट आपका होगा 8%,
उसको कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट में, तो आर बाई 3% पर 4 मंथ। कोई दिक्कत यहां तक? उसी प्रकार आपको बोल दिया नहीं हमको 4 महीने में नहीं चाहिए, हमको पर 8 मंथ में चाहिए, पर 8 मंथ, प्रत्येक 8 महीने में कैलकुलेट करना है। तो क्या समझेंगे कि 12 महीने को बांटो 8 महीने में, कितना बन जाएगा? तो बन जाएगा ये 4 × 8, 4 × 3/2। इसका मतलब जो रेट होगा, रेट उसको भी 3/2 करना होगा। अरे 3/2 पार्ट में बांटना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पर 12 महीने था, 4 महीने में करना पड़ा, तो तीन तीन बार, तीन पीरियड बना था, तो तीन बार डिवाइड कर दिए 3 से। तो उसी प्रकार से जैसे हम आर को अगर डिवाइड कर दिए 3 से, तो अगर हम 12 महीने को 8 महीने से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ गया, तो आर को भी तो 3/2 से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब 2R/3% पर 8 महीना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2R/3% पर 8 मंथ, इतना हमको देना पड़ेगा। बोलिए, समझा देते हैं, बोलिए पहले 8 महीने वाला बोलिए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद हम कहीं और चलेंगे। आ गया समझ में? तो कभी भी किसी का बोले तो नहीं कर लेंगे। अगर मान लीजिए पर 9 मंथ बोला कि नहीं हम पर 9 महीने में कैलकुलेट करो, पर 9 मंथ क्या करेंगे? पता है हमको 12 महीने को 9 महीने में बांटना है, तो 3 × 9, 3 × 4 = 12, इसका मतलब 4/3 जो है 9 मंथ का पीरियड बनेगा। तो रेट अगर आर है तो आर में 4/3 से डिवाइड करेंगे तो 3R/4% पर 9 मंथ हो जाएगा। हाँ अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 6 मंथ। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ। अब एक चीज नोटिस करिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इसको नीचे वाले को और ये पर 6 महीने को, ये 12 बन जाएगा। देखिए 2 × 6 = 12 हो रहा है, देखिए 4 × 3 = 12 हो रहा है, देखिए 3 × 4 = 12 हो रहा है, देखिए 3 × 8/2 = 12 हो रहा है, 4 × 9/3 = 12 हो रहा है। हमेशा 12 आना चाहिए, ठीक है? अब आरोस मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूँ, आप बोले हैं तो देखिए, मेरा कहना ये था, मेरी बात को समझिएगा एक बार और। मेरा कहना ये था कि 12% तो पर ईयर का है, लेकिन अगर हमको 6 मंथ में देना है तो 6 मंथ का जितना पीरियड बन रहा है, तो 1 साल को अगर हम बांटेंगे 6 महीने में, 6 महीने का मतलब क्या हो, 12/6 मंथ, तो 2 पीरियड बनेगा 6-6 मंथ का, नहीं बना 2 पीरियड 6-6 मंथ का, बोलिए हाँ या ना बना। तो जितना रुपया है ना ये 12, उसको 2 पार्ट में बांट के देंगे, तो 2 पार्ट में बांटेंगे तो कितना देना होगा, 6 रुपया ऐसा देना पड़ेगा। तो 6 रुपया जो जा रहा है वो कितने दिनों के लिए जा रहा है, 6 मंथ के लिए ना जा रहा है, इसलिए 6% पर 6 मंथ लिखते हैं, क्लियर? तो इसी प्रकार से अगर आर रुपया है हमारे पास पर ईयर का रेट, गिवन है आर रुपया पर ईयर का रेट, और मुझे हाफ ईयरली में देना है, तो मुझे पता है कि 1 साल में हाफ ईयरली का 2 टर्म बन रहा है, इसलिए आर को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला साल, पहला हाफ ईयर के लिए R/2 देंगे, अगले हाफ ईयर के लिए फिर R/2 देंगे, तो आर खुद ब खुद निकल के नहीं आ जाएगा। अगर क्वार्टरली देना है, क्वार्टरली का मतलब क्या है, 3-3 मंथ का 4 पीरियड बन रहा है, 12 महीने को अगर क्वार्टरली में हम लोग डिवाइड करें तो 3-3 मंथ का 4 पीरियड बन रहा है, इसका मतलब आर को भी 4 जगह बांट के देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लिखा है R/4, 4 मंथ 4 पार्ट में डिवाइड करके R/4 हो गया। अगर हमको 4-4 मंथ में देना है तो 12 महीने को 4-4 मंथ में डिवाइड करेंगे तो 3 पीरियड बनेगा 4-4 मंथ का, इसका मतलब रेट को कितना डिवाइड करना होगा, जितना पीरियड ये बन रहा है 3 से, तो R/3। 8 महीने में देना है तो 12 को 8 महीने से डिवाइड किए, इसका मतलब कितना पीरियड बनेगा, 3/2, तो हम लोग क्या करेंगे, R में 3/2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 9 महीने में देना है तो 12 को 9 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 4/3, तो R में 4/3 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा रेट हो जाएगा। ये हम आपको समझाए किसी भी तरह के कैलकुलेशन के लिए, 2 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 5 महीना के लिए, 8 महीना के लिए, किसी भी तरह का कैलकुलेशन अगर है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात बची टाइम का, टाइम अगर दिया हुआ हो टी ईयर,
टाइम कितना दिया हो, टी ईयर, तब कैसे करेंगे तो ध्यान रखना है। अगर टाइम टी ईयर देना है, जैसे मान लीजिए मार्केट गए, 10 रुपया पर केजी आलू दे रहा है, 10 रुपया पर केजी दे रहा है, और आपको खरीदना है, मान लीजिए 1 क्विंटल आलू खरीदना है, 1 क्विंटल, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 1 क्विंटल में और इस रेट में कोई रिलेशन तो पता होना चाहिए। अगर आपको पता ना हो कि 1 क्विंटल कितना केजी होता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पता हो कि 1 क्विंटल का मतलब 100 केजी होता है, तभी ना आप बताते हैं कि 1 केजी का 10, तो 100 केजी का 100 × 10 यानी 1000 रुपया। सेम उसी सेंस में अगर रेट हमारा पता है पर 6 मंथ का, तो टाइम भी तो पर 6 मंथ में लिखा जाना चाहिए ना। तो रेट क्या पता है आपको, अगर हाफ ईयरली का रेट पता है, इसका मतलब पर 6 महीने का पता है, तो टाइम भी 6 महीने में होना चाहिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 साल में कितना 6 महीना, 2, 1 साल में कितना हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, तो टी ईयर में कितना हाफ ईयर हो जाएगा, तो 2 × t½ ईयर, नहीं हो जाएगा बताइए। 1 साल में अगर 2 हाफ ईयर है तो टी ईयर में कितना हाफ ईयर हो जाएगा, 2t½ ईयर। 1 साल में अगर 4 क्वार्टर बन रहा है, 4 क्वार्टर बन रहा है, तो हम जानते हैं ना टी ईयर में कितना क्वार्टर हो जाएगा, 40 क्वार्टर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा बात है। उसी प्रकार से 4 महीने पर बांटना है तो 1 साल में 3 पीरियड बनेगा 4 महीने का, नहीं बनेगा, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा पर 4 मंथ। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, सबको समझ आ गया, वाह वेरी गुड, क्लियर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हाफ ईयर का, जो कि आपको जरूरत पड़ेगा अभी आने वाले क्वेश्चनों में, ठीक है ना, तो करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये सब तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आप बता